पाइल कैप ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाए या नीचे बनाया जाए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आपका जो है रोड लेवल हो गया, इस रोड लेवल और हम बात करें इसकी लेवल का, तो ये जो है आपका बराबर है, ये जो लेवल है PCC जो हुआ है। और हम बात करते हैं पाइल कैप को लेकर के, इसका डेप्थ आपका 2 फीट का है, तो थोड़ा सा जो आपका 1 फीट नीचे दिया गया है और 1 फीट ये आपका ऊपर दिया हुआ, तो रोड लेवल से ये वाला एरिया आपका 1 फीट हो गया। और जनरली क्या है कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी कभी आप पाइल कैप प्लिंथ लेवल बनाएंगे, वो आपका रोड लेवल से 2 फीट के हाइट में होना चाहिए, और 2 फीट हाइट में होना चाहिए। इसमें तो हम अभी ये प्लिंथ में ढलाई के बाद जो है यहाँ पे फिर से हमें 1 फीट का ब्रिक वर्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एरिया आपका जो है पार्किंग का हो गया, इसमें जो है हमें ब्रिक वर्क नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इस एरिया में ब्रिक वर्क नहीं रहा। तो जिससे क्या होगा कि मतलब कि रोड लेवल से मेरा 1 फीट ही यह हाइट आपका रहा, यहाँ सेप्टिक टैंक भी बनेगा, ये 1 फीट ही हाइट रहा आपका, और यहाँ पे हमें जो है पार्किंग 1 फीट डेप्थ, और जो ये जो बिल्डिंग है ये आपका जो बनेगा 1 फीट हाइट रहेगा आपका। तो अब हम बात करते हैं कि डेप्थ में रखें, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप कम से कम जो है जिस समय आप पाइल कैप ढलाई करेंगे उस समय आप जो है 6 इंची से लेकर के 1 फीट ज़मीन के नीचे तक की ढलाई कीजिएगा, जिससे क्या कि मेरा जो है डेप्थ हो सके। और अगर आपको ज़्यादा लेके चलना है प्लिंथ लेवल 2 फीट से या 3 फीट से ज़्यादा, तब जा कर के आपको ज़मीन तक जो है पाइल कैप ढलाई कर सकते हैं और उसके ऊपर जो आप पाइल कैप बना सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं मतलब कि पाइल कैप जो है नीचे होना चाहिए, कोई इस ज़रूरी नहीं, पाइल कैप आप जो है ज़मीन के ऊपर भी रख सकते हैं। और बस जब फिलिंग हो जाएगा आपका, क्योंकि 1.5-2 फीट तो आपका फिलिंग होगा, ये सब तो पूरा फिलिंग होगा, तो पाइल कैप आपका ऑटोमेटिक जो है ढका जाएगा। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में ले करके चलना है। तो ओवरऑल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कुछ अगर हम बात करें तो 2 फीट हाइट तक में आपका जो है ये पाइल कैप हो रहा है। और पाइल कैप करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि भाई कि आपको PCC कर लेना है। PCC कर लेने के बाद जो है कॉलम का सेंटर लाइन निकाल लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कॉलम का सेंटर लाइन निकलने के बाद जो है तब जाकर के आपको जो है नीचे वाला जाली बिछाना है। जाली बिछाने के बाद जो पिलर को आपको खड़ा क्या केज खड़ा करना है, फिर जो है आपको बीम बांधना है, फिर जब जाली ऊपर वाला जाली देना है। और इसके लिए सटरिंग के लिए जो ज़्यादातर जो इजी तरीका होता है, आपको यहाँ जैसे ब्रिक का सटरिंग किया है, ब्रिक का भी सटरिंग कर सकते हैं। और इसके जगह पे आप जो है अगर चाहते हैं तो ये ब्रिक सटरिंग हो गया, प्लाई कर सकते, प्लाई का आपका थोड़ा ज़्यादा जो है सपोर्ट सब देना पड़ेगा, इसलिए जनरली लोग जो है ब्रिक का सटरिंग कर लेते हैं, ब्रिक वर्क करके, तो इससे एग्जीक्यूशन काम में भी आसान पड़ता है। लेकिन टेक्निकली उतना सही भी नहीं, लेकिन ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मेन थीम यही था कि पाइल कैप नीचे रखें कि ऊपर रखें, क्योंकि रोड लेवल से आपको 2 फीट तो ऊपर करना ही है, आप ऊपर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर हो जाएगा। क्यों झूठ मूठ का जो है पाइल को तोड़िएगा, उसको और नीचे जाइएगा, यही चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल वाक सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको आप क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।